गॉडज़िला इन हेल इशू नंबर वन। साल 2015 में आई गॉडज़िला इन हेल की इशू नंबर वन में हमें दिखाया जाता है कि गॉडज़िला जब अपने चारों तरफ आकाश को देखता है तो वो ये देखकर घबरा जाता है कि पूरा गगन लाल हो चुका है और उसके नीचे की जमीन कांप रही थी। अचानक उसके पैरों के तले जमीन धंसती है और वो एक काफी गहरे गड्ढे में गिरता जाता है और गॉडज़िला के नीचे गिरते ही वहाँ लिखा होता है गॉडज़िला इन हेल। और गॉडज़िला जिस जगह गिरता है वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है जिस वजह से चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। जब गॉडज़िला उठता है तो अपने सामने एक पिलर को देखकर ये काफी भौचक्का हो जाता है क्योंकि उसके सामने लिखा हुआ था अबैंडन ऑल होप्स हु एंटर हियर, यानी यहाँ गिरने वालों अपनी सारी उम्मीदों को खो दो। और ये लिखे नोटिस को देख गॉडज़िला को काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपने एटॉमिक ब्रीथ से उस पिलर की धज्जियां उड़ा देता है और ये बता देता है कि उम्मीद मेरी नहीं किसी और की टूटने वाली है क्योंकि अब यहाँ मैं आ चुका हूँ। और उसके बाद गॉडज़िला आगे की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे सामने चिमनी दिखती है जिस पर से धुआं निकल रहा था, जिस वजह से गॉडज़िला चिमनी की तरफ जाता है और वो चिमनी को जैसे ही झांकता है कि तभी चिमनी में बैठा मॉन्स्टर गॉडज़िला को पूरी तरह से जकड़ लेता है। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर गॉडज़िला को मारना चाहता था तभी गॉडज़िला उस मॉन्स्टर को अपने पैरों तले रोन देता है और ये सभी को बता देता है कि पूरे हेल का नियम अब बदलने वाला है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद गॉडज़िला हेल में आगे की तरफ बढ़ता है। कुछ दूर सफर करने के बाद गॉडज़िला अपने सामने पुरानी इमारतों को देखता है जो कि काफी डरावनी दिख रही थी और डरावना होने के साथ साथ वहां काफी सारे हेल के आर्मी होते हैं। पर गॉडज़िला यहां भी नहीं डरता, पर ये देखकर काफी परेशान हो जाता है कि वो अब कहां आ चुका है। पर अचानक गॉडज़िला को चारों तरफ से एक धुआं घेरने लगता है। यह एक तरह की धुंध थी जिसमें गॉडज़िला पूरी तरह से घिरने लगता है और गॉडज़िला इस धुंध में पूरी तरह से घिरने के बाद जमीन में गिर जाता है। फिर जैसे ही वो उठता है उसे अपने सामने एक और गॉडज़िला दिखता है जो काफी डरावना दिख रहा था क्योंकि उसके आंखों से खून भी निकल रही थी। साथ ही वो जब चाहे अपना रूप बदल सकता था, इसलिए रूप बदलने वाला गॉडज़िला अचानक एक जायंट स्क्विड जैसा आकार ले लेता है और वो गॉडज़िला को पकड़ लेता है। ये सारे दृश्य को देखकर गॉडज़िला काफी दंग रह जाता है कि कोई अचानक इस तरह से कैसे रूप बदल सकता है। कुछ ही देर में रूप बदलने वाले गॉडज़िला के शरीर से ढेर सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और वो गॉडज़िला को जकड़ना शुरू कर देते हैं। रूप बदलने वाला गॉडज़िला को जकड़कर उसे हवा में उठा देता है और उसे नीचे जमीन में पटक देता है और ऐसा ये गॉडज़िला कई बार करता है और इस घटना के कारण गॉडज़िला का गुस्सा अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है जिस वजह से वह अपनी एटॉमिक ब्रीथ की मदद से उस रूप बदलने वाले गॉडज़िला के सभी टेंटिकल्स को काट देता है। टेंटिकल्स के छूटने के बाद गॉडज़िला जमीन में गिर जाता है और वो रूप बदलने वाले गॉडज़िला पर जोरदार प्रहार करता है और उसे गिराकर उस पर हमला करता है जिसके जवाब में रूप बदलने वाला गॉडज़िला को जोरों से धक्का मारता है जिस वजह से गॉडज़िला काफी दूर जाकर गिरता है। फिर रूप बदलने वाला गॉडज़िला और भी भयानक रूप लेने लग जाता है और फिर वो गॉडज़िला को चारों तरफ से जकड़ लेता है। पर इस बार गॉडज़िला को इतना गुस्सा आ जाता है जिस वजह से वो टेंटिकल्स वाले गॉडज़िला की तरफ जोरों से भागता है और उसे टक्कर मारकर अपनी बॉडी से रेडियो एक्टिव वेव्स निकालना शुरू कर देता है और इस वजह से वहां एक काफी बड़ा धमाका क्रिएट होता है जिसके चपेट में आकर रूप बदलने वाले गॉडज़िला के चीथड़े उड़ जाते हैं। पर शायद गॉडज़िला को यह अनुमान नहीं था कि वो हेल के बस पहले दरवाजे को ही पार कर पाया है और अचानक जमीन फिर से फटती है जिसमें गॉडज़िला फिर से नीचे गिरने लगता है और वो हेल के एक नए लेयर में पहुंच चुका है जहां जाते ही इसे चारों तरफ आग ही आग दिखता है। साथ ही उस नर्क में भी पुराने खंडर है। तभी गॉडज़िला की नजर एक फायर जायंट की तरफ पड़ती है जो कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली रोडियन है और इसे देखकर समझा जा सकता है कि चारों तरफ आग क्यों लगी है। रोडियन जब गॉडज़िला को देखता है तब उसकी तरफ वो हमला करने के लिए भागने लगता है जिस वजह से गॉडज़िला भी अलर्ट हो जाता है और उस पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ शूट कर देता है, लेकिन अपनी फुर्ती की वजह से रोडियन उसे डोज कर देता है। इस प्रकार गॉडज़िला का एटॉमिक ब्रीथ बेकार चला जाता है। उसके बाद रोडियन वापस घूमकर गॉडज़िला पर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन गॉडज़िला इस बार तैयार था। उसने अपनी पूंछ से रोडियन को इतनी जोरों से मारा कि रोडियन काफी दूर जाकर गिरता है।
खंडहरों से टकराने की वजह से रोडन वहां से नहीं उठ पाता। फिर गॉडज़िला को एक नया एंट्रेंस दिखाई देता है और उस एंट्रेंस में गॉडज़िला आगे बढ़ता चला जाता है, और जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसका सामना एक ऐसे खूंखार मॉन्स्टर से होता है जो कोई और नहीं बल्कि खूंखार एंगिरस था। एंगिरस की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसने मूवी में गॉडज़िला को भी लगभग हार के कागार पर ला दिया था। खैर, नार्क में अब दोनों आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी गुस्से में आ जाते हैं और ये एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले एंगिरस गॉडज़िला के हाथों पर काटकर पहला हमला करता है, जिसके जवाब में गॉडज़िला एंगिरस को उठाकर काफी दूर फेंक देता है। एंगिरस के जमीन में टकराव की वजह से वहां काफी बड़ा सुराख हो जाता है, क्योंकि गॉडज़िला ने उसे इतना जोरों से पटका था जिस वजह से एंगिरस अब उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर गॉडज़िला आगे बढ़ता चला जाता है और गॉडज़िला जिस सुराख से होकर गुजरता है वह उसे एक ऐसे महासागर की ओर ले जाती है जिसे हम एटर्नल ओशियन कहते हैं। एटर्नल ओशियन उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पानी कभी भी नहीं सूखता। पर उस महासागर में पहुंचते ही गॉडज़िला को अपने सामने एक विशालकाय वाटर मॉन्स्टर दिखता है। अब दोनों आमने सामने आ जाते हैं। फिर कुछ ही देर में दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें गॉडज़िला उस पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ से शूट करता है, जिस वजह से वाटर मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है। लेकिन तभी अचानक गॉडज़िला के सामने एक तेज लाइट चमकती है जिसे गॉडज़िला ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। इसे भी पता ना था कि आखिर ये क्या या कौन सी चीज है जो इतनी लाइट उत्पन्न कर रही है। और तभी लाइट में से अचानक गॉडज़िला को दिखता है कि इसके सामने कोई और नहीं बल्कि किंग गिद्धोरा है। डेविल किंग को देखते ही गॉडज़िला काफी चौंक जाता है, पर गॉडज़िला कुछ भी सोचता तभी किंग गिद्धोरा उस पर अटैक कर देता है, और उसके बाद फिर गॉडज़िला के चारों तरफ बवंडर आने लगता है। किंग गिद्धोरा के बवंडर में फंसकर वह हेल के एक तीसरे लेयर पर जा पहुंचता है। तीसरे लेयर में हमें चारों तरफ तबाही का दृश्य दिखाया जाता है, जहां मौजूद सभी इमारतें ध्वस्त हो चुके थे। आसमान से विचित्र चीजें जमीन में गिर रही थी। चारों तरफ तबाही का मंजर फैला था, और कुछ ही देर में हमें दिखता है मौत का सौदागर स्पेस गॉडज़िला, जिसने ये तबाही मचाई थी। अब गॉडज़िला और स्पेस गॉडज़िला एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। दोनों को देखने पर ऐसा लग रहा था मानो ये कई सदियों से एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे थे, और आज इनके बीच के होने वाले युद्ध को कोई नहीं टाल सकता। गॉडज़िला अपने दुश्मन को देख पहला अटैक करना चाहता है, पर स्पेस गॉडज़िला गॉडज़िला को पहला मौका नहीं देता। स्पेस गॉडज़िला के सिर के ऊपर एक बादल बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से बिजलियों की बौछार हो रही थी, पर ये बिजली स्पेस गॉडज़िला को मानो और भी ताकतवर बना रही थी। इसलिए पल भर में ही स्पेस गॉडज़िला पर मॉन्स्ट्रस एनर्जी ब्लास्ट करता है। हालांकि ये एनर्जी इतनी शक्तिशाली थी जिसने पूरे शहर का सफाया किया था, पर गॉडज़िला के लिए मानो ये अटैक काम ही नहीं आने वाली थी। इसलिए वो इस एनर्जी को झेलते हुए स्पेस गॉडज़िला की तरफ आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंचकर उस पर ही अपना एटॉमिक ब्रीथ शूट कर देता है। और गॉडज़िला का ये अटैक इतना जोरदार था जिसके प्रभाव से स्पेस गॉडज़िला वहीं जमीन में गिर जाता है। लेकिन गॉडज़िला स्पेस गॉडज़िला के कोरोना बीम के कारण आग में धधक कर पूरा गर्म हो जाता है, पर यह आग भी गॉडज़िला को नहीं जला पाती। गॉडज़िला को अब लगता है कि वो बैटल में जीत चुका है, इसलिए वो एक आखिरी अटैक स्पेस गॉडज़िला पर करना चाहता है ताकि वो उसे मार सके। पर स्पेस गॉडज़िला समझ जाता है कि गॉडज़िला अपना आखिरी हमला करने वाला है, इसलिए स्पेस गॉडज़िला अपनी सभी पावर्स को एकत्रित करता है और वो भी गॉडज़िला के एटॉमिक ब्रीथ पर कोरोना बीम छोड़ता है। पर दोनों के शक्तिशाली अटैक से बनी एनर्जी इतनी खतरनाक होती है जिस वजह से वहाँ एक भयानक धमाका होता है, जिसके चपेट में वो लेयर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और दोनों ही हेल के एक नए लेयर में जा पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर गॉडज़िला जीत की हुंकार लगा रहा होता है कि तभी उसके सामने छोटे छोटे उड़ने वाले कुछ आर्मी दिखते हैं और कुछ ही दूर में एक पहाड़ जैसी संरचना दिखती है। पर हैरानी की बात तो यह है कि वो स्ट्रक्चर जिंदा प्रतीत हो रहा था, और जिसमें से कई छोटे छोटे जीव निकलकर गॉडज़िला पर हमला करते हैं। अंत में परेशान होकर गॉडज़िला उन सभी छोटे जीवों को मारने लग जाता है। तभी वो सभी जीव कहते हैं कि खुद को मेरे हवाले कर दो, पर गॉडज़िला कहां किसी की सुनने वाला था, इसलिए उन जीवों ने इस पर काफी शक्तिशाली बीम से अटैक किया, जिससे टकरा कर गॉडज़िला हेल के और भी अंदर गिरता जाता है, और वो जाकर ऐसे जगह पर गिरता है जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था, और उसी बर्फ में हमें जमा हुआ स्पेस गॉडज़िला दिखता है।
हालांकि गॉडजिला को लगा था कि उसने स्पेस गॉडजिला को मार दिया था, लेकिन स्पेस गॉडजिला हेल के और निचले लेयर में चला गया था जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। तो गॉडजिला को देखते ही स्पेस गॉडजिला उसे भांप लेता है और वो फिर से जाग जाता है। अचानक गॉडजिला के चारों ओर गर्मी बढ़ने लगती है और इसे महसूस कर गॉडजिला सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी एक हंसने की आवाज आने लगती है, फिर प्रकट होता है स्पेस गॉडजिला। अब दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, पर इस बार स्पेस गॉडजिला अपने अंदर छोटे छोटे डिमन्स की आर्मी गॉडजिला तक भेजने लगता है और उन सभी को ये कहता है कि गॉडजिला के मुंह में घुस जाओ और उसके दिल को निशाना बनाओ, क्योंकि स्पेस गॉडजिला इस बात से परिचित था कि गॉडजिला के दिल को चोट पहुंचाने पर यह उसे काफी आसानी से मार सकता है। पर गॉडजिला इस बात को समझ जाता है और वो अपने मुंह को नहीं खोलता, जिस वजह से वह अपने एटॉमिक ब्रीथ को भी अब यूज नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो पहले छोटे छोटे डिमन्स आर्मी को मारना शुरू कर देता है, पर गॉडजिला को उलझा देख स्पेस गॉडजिला तुरंत उस पर कूद पड़ता है और बर्फ की क्रिस्टल को हाथ का रूप बनाकर वह गॉडजिला को जकड़ना शुरू कर देता है, फिर उस पर अटैक करके किसी तरह गॉडजिला के मुंह को खोल देता है। मुंह के खुलते ही सभी छोटे छोटे डीमंस गॉडजिला के मुंह में घुसने लगते हैं, जिससे गॉडजिला को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने मुंह से अपना सबसे खतरनाक हमला स्पाइरल हीट रे को छोड़ता है, जिसके चपेट में आकर छोटे छोटे दानव राख में तब्दील हो जाते हैं। अब गॉडजिला खुद को गर्म करने लग जाता है और बर्फ से छूटते ही वो स्पेस गॉडजिला पर अपना न्यूक्लियर पल्स छोड़ देता है, जिस वजह से दोनों के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। स्पेस गॉडजिला भी गॉडजिला पर अपना कोरोना बीम छोड़ देता है, पर गॉडजिला इस हमले से इतना ज्यादा गर्म हो जाता है जिसके प्रभाव से वह न्यूक्लियर पल्स गॉडजिला में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे गॉडजिला पर अब कोई भी अटैक का कोई प्रभाव नहीं होता और वो स्पेस गॉडजिला पर अटैक करता चला जाता है। जवाब में स्पेस गॉडजिला भी अपने कोरोना बीम के पावर को बढ़ाता चला जाता है, लेकिन गॉडजिला पर इसका कोई भी असर नहीं होता और स्पेस गॉडजिला की कोरोना बीम गॉडजिला की बॉडी से टकराकर स्पेस गॉडजिला को ही नष्ट कर देती है, यानी कि स्पेस गॉडजिला अपने ही वार से मारा गया। और इस प्रकार यहाँ भी हेल गॉडजिला विजयी बनता है। पर इस घटना से आप समझ सकते हैं कि गॉडजिला कितना ड्यूरेबल है। स्पेस गॉडजिला के मरते ही वहाँ छोटे छोटे क्रिएचर फिर से प्रकट हो जाते हैं और गॉडजिला से कहते हैं, माना कि तुमने स्पेस गॉडजिला को मार दिया हो, पर खुद को वक्त रहते हमारे हवाले कर दो वरना। इस सेंटेंस के पूरा होने देने से पहले ही गॉडजिला उन पर अपनी हीट स्पाइरल रे छोड़ देता है और उन्हें मार डालता है, यहाँ तक कि कुछ को अपनी मुट्ठी में मसल कर अपने मुंह में चबाने भी लग जाता है। इस प्रकार कई छोटे छोटे डीमंस वहाँ मारे जाते हैं और गॉडजिला अपने सफर में आगे बढ़ता है। इशू नंबर 4 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला के कदमों तले गिद्दोरा और डेस्टोरोया पड़े हुए हैं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि गॉडजिला ने दोनों को मार दिया है। लेकिन इनके बीच की बैटल कैसे शुरू हुई ये आगे दिखाया जाता है। इशू नंबर 3 में गॉडजिला स्पेस गॉडजिला को मारने के बाद हेल के एक नए लेयर में जा पहुंचता है, जहां उसे सामने किंग गिद्दोरा और डेस्टोरोया दिखते हैं। पर गॉडजिला कुछ भी सोच पाता कि तभी हेल के दो खूंखार मॉन्स्टर उस पर हमला करने लगते हैं, पर गॉडजिला किसी तरह खुद को संभालते हुए उन पर अपना एटॉमिक ब्रीथ शूट कर देता है, जिस वजह से दोनों के अटैक्स विफल हो जाते हैं। अब डेस्टोरोया और गिद्दोरा अलग अलग दिशाओं से गॉडजिला पर हमला करने की तैयारी करते हैं और ये रणनीति काम आ जाती है, क्योंकि गॉडजिला का ध्यान हटते ही डेस्टोरोया इस पर अटैक कर देता है और ये अटैक इतनी पावरफुल थी जिस वजह से गॉडजिला एक बिल्डिंग पर जा गिरता है और गॉडजिला बिल्डिंग सहित नीचे गिर जाता है। पर किसी तरह गॉडजिला अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है कि तभी किंग गिद्दोरा उस पर हमला कर देता है और अचानक हुए इस हमले से गॉडजिला काफी आश्चर्य में आ जाता है, साथ ही गॉडजिला का गुस्सा भी अपने सातवें आसमान में जा पहुंचता है, जिस वजह से वह गिद्दोरा पर अपनी एटॉमिक ब्रिज शूट कर देता है। पर गिद्दोरा इस हमले को टालते हुए गॉडजिला को ऊपर उठाकर नीचे छोड़ देता है, पर गिद्दोरा इतना चालाक था कि इसने गॉडजिला को समतल जमीन में ना गिराकर एक मेटल के नुकीले टावर पर फेंक दिया, जिस वजह से ये टावर गॉडजिला के पीठ को चीरते हुए इसके पेट से पार हो जाता है। पर गॉडजिला मानो मरने से मना कर देता है और टावर को तोड़ते हुए वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। पर हेल के इतने दूर की जर्नी में गॉडजिला समझ चुका था कि शहर के दीवारें ही हेल की एक नई लेयर है, इसलिए चालाकी दिखाते हुए गॉडजिला हेल की इस दीवार को तोड़कर भागना चाहता है। पर डेस्टोरोया समझ जाता है कि गॉडजिला बचकर यहाँ से भागना चाह रहा है, इसलिए वो गॉडजिला को जमीन में गिरा देता है। फिर गॉडजिला अपने पैरों पर खड़ा होकर डेस्टोरोया पर अपनी एटॉमिक ब्रिज शूट कर देता है
जिस वजह से डेस्टोरोया काफी दूर जाकर गिरता है। मौका पाते ही गॉडजिला उस दीवार को फिर से तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दीवार को तोड़ने में लग जाता है। तभी गॉडजिला के पीछे से तीन तीन डेस्टोरोया आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से गॉडजिला जमीन पर गिर जाता है। लेकिन फिर गॉडजिला खड़ा होकर अपने चारों तरफ डेस्टोरोया को ढूंढने लगता है। तभी अचानक उस पर किंग गिद्दोरा हमला करता है और दूसरी तरफ से डेस्टोरोया भी उस पर टूट पड़ता है। दो तरफ से अटैक होने पर गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जोरों से गुर्राने लगता है, पर दोनों काइजू मिलकर गॉडजिला को जमीन में पटक कर धराशायी कर देते हैं। और गॉडजिला जमीन पर घिरने के बाद लगभग हार की कागार पर पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि अब डेस्टोरोया और किंग गिद्दोरा आपस में ही लड़ाई करने लग गए हैं। तब गॉडजिला समझ जाता है कि ये भी हेल के बाहर निकलने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, और जो भी पहले इस दीवार को पार करेगा शायद वही हेल से बाहर निकल पाएगा। इसलिए मौका पाते हुए गॉडजिला दीवार को तोड़ने लगता है। तभी लड़ रहे दोनों काइजू का ध्यान गॉडजिला पर जाता है और गॉडजिला को रोकने के लिए उस पर अपने बीम से प्रहार करते हैं, पर गॉडजिला काफी चालाक था, वो थोड़ा सा नीचे झुक जाता है, जिस वजह से तीनों की एनर्जी बीम दीवार पर पड़ती है और वो दीवार टूट जाती है। गॉडजिला समझ जाता है कि अब वो आगे बढ़ सकता है, पर गॉडजिला की सफलता के बाद दोनों काइजू मर जाते हैं और गॉडजिला आगे बढ़ जाता है। इशू नंबर 4 में हेल की इस दीवार को तोड़कर पार करते ही गॉडजिला एक ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो रही थी और वहां बर्फ के तूफान आ रहे थे। ठंड उस जगह इतनी ज्यादा होती है जिसे आम इंसान तो कभी झेल ना पाए, पर गॉडजिला जानता है कि मंजिल करीब है, इसलिए चाहे जो भी हो हिम्मत नहीं हारनी। हालांकि वहां तूफानी हवाओं की गति इतनी ज्यादा थी जिसमें इमारतों का भी टिकना मुश्किल हो जाए, पर गॉडजिला अपने पांव कहीं नहीं रोकता। अब उसके शरीर में बर्फ की परतें चढ़ने लगती है जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक लावा का सैलाब दिखता है और लावा की सैलाब की वजह से उस जगह गर्मी बढ़ जाती है और वहां मौजूद बर्फ पिघलने लगती है। अचानक गॉडजिला का ध्यान एक पतले पुल की तरफ जाता है जिससे होकर ये इस जगह को पार करना चाहता है, पर चूंकि पुल इतनी कमजोर थी जिसमें गॉडजिला के पांव पड़ते ही वो टूटने लगता है और गॉडजिला जमीन की तरफ गिरने लगता है। अंत में गॉडजिला जिस जगह गिरता है वहां चारों तरफ बड़े बड़े नुकीले शिलाओं की संरचना थी, पर नीचे गिरने की वजह से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह सभी संरचनाओं को ध्वस्त करने लगता है। लेकिन शायद गॉडजिला इस बात से अपरिचित था कि उन सभी शिलाओं के अंदर किसी मॉन्स्टर के अंडे रखे हुए थे। शिलाओं की गिरने की वजह से उन सुराखों में से हजारों की संख्या में छोटे छोटे खूंखार मॉन्स्टर निकलने लगते हैं और वो सभी मिलकर गॉडजिला पर टूट पड़ते हैं। गॉडजिला उन सभी से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है और अपने पूंछ से उन्हें हटाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो दानवों की पूरी झुंड गॉडजिला का पीछा नहीं छोड़ते। गॉडजिला चाहे जहां भी जाता ये दानव उसके पीछे उड़ते जाते हैं। तभी अचानक गॉडजिला एक ऐसे जगह पहुंचता है जहां उसे एक टीले पर बड़े बड़े पिलर्स दिखाई दे रहे थे और वो समझ जाता है कि इसी पिलर में चढ़कर शायद वो खुद को बचा सकता है। अब गॉडजिला उस पिलर पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे छोटे छोटे मॉन्स्टर की पूरी बारात आने लगती है, पर इस बार गॉडजिला इतना आग बबूला हो जाता है जिस वजह से वो बिना ज्यादा सोचे उस पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ शूट कर देता है। फिर गॉडजिला टावर पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, पर चूंकि गॉडजिला इतना भारी था और ये चट्टान इतनी सीधी थी इसलिए इस पर चढ़ना काफी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से गॉडजिला के पैरों से फिसलकर चट्टान टूटकर नीचे गिरने लगती है। अंत में गॉडजिला भी उस पिलर में से नीचे गिर जाता है और उस पर कई चट्टान भी लद जाते हैं, पर जैसे ही वो खुद को दबे चट्टानों में से बाहर निकालता है तभी वो छोटे छोटे दानव उस पर लूझने लगते हैं। और इस घटना से गॉडजिला को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो तुरंत खड़ा होकर उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है, और अचानक वहां मॉन्स्टर की इतनी सारी आर्मी आ जाती है जिसे संभाल पाना गॉडजिला के लिए भी अब मुश्किल हो रहा था। अब वो मॉन्स्टर बिना रुके गॉडजिला के मांस को नोचने लगते हैं और कुछ ही पलों में वो गॉडजिला के मांस को नोचकर उसे किसी कंकाल की अवस्था में ला देते हैं और वो कंकाल भी अब जमीन पर गिर जाती है। गॉडजिला को गिरा देख सभी मॉन्स्टर्स को लगता है कि इसका काम तमाम हो चुका है और वो काफी खुश होने लगते हैं, पर अचानक गॉडजिला का कंकाल ऊपर उठने लगता है और उसके शरीर पर मांस आने लगते हैं, यानी ये खुद को रीजनरेट कर लेता है, जिसे देखकर छोटे छोटे दानव काफी डर जाते हैं।
क्योंकि वो पहले इस बात से खुश थे कि उन्होंने तो गॉडज़िला को खा लिया था, पर इसे दोबारा जिंदा होते देख हेल के वो छोटे छोटे दानव काफी डर जाते हैं। और इस घटना से पता चलता है कि हेल गॉडज़िला लगभग अमर है। खुद को रीजनरेट करने के बाद गॉडज़िला का गुस्सा अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो खुद को पूरी तरह से चार्ज करके न्यूक्लियर पल्स छोड़ देता है, जिस वजह से वहां मौजूद सभी दानव तुरंत मारे जाते हैं। साथ ही न्यूक्लियर पल्स की इंटेंसिटी से सामने मौजूद पहाड़ भी टूटकर बिखर जाता है और हेल से बाहर का रास्ता खुल जाता है, जिससे होकर गॉडज़िला हेल से बाहर निकल जाता है। और यही समाप्त होती है गॉडज़िला इन हेल की लास्ट इशू। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।